आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें उसमें सबसे जरूरी बात, आपको एक बेसिक आना चाहिए। उस बेसिक का नाम है एम्पलीट्यूड, दूसरा मेन पोजीशन, तीसरा एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये सारी चीजें एक बार मैं रिवाइज करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जिन बच्चों को ये चीजें अभी भी नहीं आई है उनको आज तो एक बार हम इसको रिकॉल करते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले तो बेसिक पढ़ा था, पीरियोडिक पढ़ा। पीरियोडिक मतलब जो अपने को समय के हिसाब से रिपीट करे, जैसे आज का लेक्चर हमारा फिर से एक बार रिपीट है। रिपीट है मतलब फिर से आज लेक्चर हो रहा है, टाइम के हिसाब से रिपीट होना। विच रिपीट इट्स सेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। रिपीट इट्स सेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसे हम कहेंगे पीरियोडिक। तो पीरियोडिक तो पता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो पूरे चैप्टर में यही चलने वाला है, ऑसिलेटरी, ऑसिलेशन। ठीक है, पीरियोडिक के अलावा भी हमें क्या पता होना चाहिए, ऑसिलेटरी। तो ऑसिलेटरी क्या होता है, जो अपने आप को समय के हिसाब से रिपीट करे या फिर टू एंड फ्रो। तो आप कहेंगे सर ये जो टू एंड फ्रो मोशन है, इसे ही आप क्या कह सकते हो, ऑसिलेटरी कह सकते हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड लिखेंगे, टू एंड फ्रो मोशन, इसे क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। अब एक थर्ड चीज इंपॉर्टेंट थी आपकी एम्पलीट्यूड। ये जो एम्पलीट्यूड है इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। यानी कि आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई SHM करता हुआ पेंडुलम है, तो मेन पोजीशन पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। वो राइट साइड जाएगा पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो राइट साइड जाने पर उसका यहां से यहां तक जो मैक्सिमम डिस्प्लेस हुआ है उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। राइट में है तो प्लस ए कह दो और लेफ्ट में है तो माइनस ए कह सकते हैं। तो ये हो गया मेरा नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन, वेदर इट इज राइट साइड और लेफ्ट साइड। क्लियर होगी बात। फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा था टाइम पीरियड, और फिफ्थ हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऐसा याद रखो या फिर इसको ऐसा ध्यान में रखो। एक हमने ओमेगा पढ़ा, तो ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट के बाय एम होता है। के का नाम होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, ये नाम पता होना चाहिए, स्प्रिंग या तो फोर्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, ओमेगा का नाम एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई एन होता है। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी होता है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, बस एक बार हम इसको रिकॉल कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और हमें पढ़ना चाहिए, बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए। अब उसके अलावा एक चीज और की जो SHM का पाथ होता है, जो SHM का डिस्प्लेसमेंट होता है, वो x इक्वल टू क्या होता है, a साइन ओमेगा टी, या फिर वो x इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी भी हो सकता है। ये दोनों चीजें पॉसिबल है, आप x क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो पार्टिकल है, जो पार्टिकल है वो x के साथ पैरेलल है, इसलिए x ले रहे हो, नहीं तो y भी ले सकते। साउंड में हम y ले लेंगे क्योंकि पार्टिकल वाइब्रेट होगा y एक्सिस के पैरेलल। फिलहाल हमारा जो एक्सिस है कैसे वाइब्रेट हो रहा है, ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, समझ रहा है सबको, मैं x क्यों ले रहा हूं। आपका पार्टिकल कहां वाइब्रेट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में वाइब्रेट हो। अगर पार्टिकल ऐसा SHM करे तो, ऊपर नीचे ऐसा SHM करे तो, फिर आप क्या कहोगे, सर ये हमारा मेन पोजीशन, ऊपर वाला पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, नीचे वाला नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो आप क्या बोलोगे, सर ये जो है इसमें एक्स आएगा हॉरिजॉन्टल है, और यहां पर क्या आएगा, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। सबको समझ गया, क्यों वाई लेते क्यों एक्स लेते, पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वाइब्रेट कैसा होगा। हमारा पार्टिकल अभी हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट हो रहा है। अब ये कॉस कब आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, 90 डिग्री का जब डिफरेंस रहेगा ना तब रहेगा। क्या सबको एक्स और वाई समझ गया, वाई आप साउंड में लेने वाले हो, इसलिए मैं अभी से बता देता हूँ कि एक्स कब लेना और वाई कब लेना। तो ऑसिलेशन SHM में आप एक्स लेने वाले हो और वाई आप साउंड में लेने वाले हो, डन। चल तो स्टार्ट करें लीनियर SHM। हाँ, एक फॉर्मूला बता तो दिया मैंने आपको, लेकिन इसमें जो ये प्लस फाई है इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ये पूरा एंगल होता है फेज, पूरा एंगल क्या होता है, फेज ऑफ SHM। ठीक है, पूरा एंगल क्या होता है, फेज ऑफ SHM। अगर इनिशियली
इनिशियल टी जीरो रहा तो फिर आप कह सकते हो कि सर फेस क्या होगा, फाइव। डन, ये सारी चीजें थियोरेटिकली आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। और आपने अगर स्क्रीनशॉट चेक किया होगा तो पोर्टल पे ऐप में स्क्रीनशॉट सारे पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो जाते हैं, आप उनको रेफर कर सकते। तो हम लीनियर एसएचएम की बात करते हैं। लीनियर यानी क्या बच्चों? स्ट्रेट लाइन। आप इस एनिमेशन से समझिएगा, स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। ये क्या है? ये मेन पोजिशन जो भी आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये मेन पोजिशन। आप कहेंगे सर वाई क्यों लिया? बच्चों ये वर्टिकली हो रहा है ना, ये स्प्रिंग वाला क्या है? वर्टिकल है। स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल तो ले नहीं सकते ना आप। अभी का जो एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं, बट अभी का जो एग्जांपल है वो वर्टिकल है। तो आपने वर्टिकल स्प्रिंग एक बांध के रखी है और ये जब मेन पोजिशन पे आता है तो यहाँ पे आता है। देखना अभी थोड़ी देर में, ये मेन पोजिशन स्टार्ट हुआ पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये इसकी पॉजिटिव एक्सट्रीम और ये नीचे वाली निगेटिव एक्सट्रीम, तो ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजिशन। इसी मीन को आप ग्राफ में क्या कहते हो? ओरिजिन कहते हो, सर्कल में सेंटर कहते हैं। अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो आप उसे मीन, देखो रेस्ट में आया, देखो फिर से अभी रेस्ट में आएगा तो मीन पोजिशन, रेस्ट यानी मीन पोजिशन या फिर इक्विलिब्रियम। एनिमेशन समझ गया? थोड़ी देर आप भी कॉन्सेंट्रेट कीजिए इस एनिमेशन पे और समझने की कोशिश कीजिए कि हम मीन किसे कहेंगे और पॉजिटिव एक्सट्रीम और निगेटिव एक्सट्रीम किसे कहेंगे। ठीक है, तो ऊपर क्या होता है? ऊपर हमारा प्लस ए होता है, यहां से यहां तक प्लस ए, और नीचे क्या होता है? माइनस ए, यानी एम्पलीट्यूड की बात करते। ठीक है, सबको एक साइकिल समझ गई क्या? एक साइकिल एक टाइम पीरियड। तो ये है आपका जीरो डिग्री, या फिर आप कह सकते हो कि जीरो साइकिल। यहाँ पे जो हो रहा है इसे आप कह सकते हो कि ये वन फोर्थ साइकिल हुई है, और यहां से यहां तक क्या हुई है? हाफ साइकिल। हाफ साइकिल मतलब ऐसा, इसे हम हाफ साइकिल कह रहे हैं। और यहां से यहां तक जो कवर हुआ है वो थ्री फोर्थ है, थ्री फोर्थ यानी थ्री थ्री बाय फोर्थ, और ये तो थ्री फोर्थ हो गया आपका और ये वापस अपनी जगह पे आ गया, तो इसे हम कहते हैं एक। क्लियर है? पार्टिकल का ऐसे हम समझ रहे हैं सबको। पार्टिकल जाता ऐसे है, फिर पहला तो ऐसे गया वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, अब फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम पे ऐसे जाके फिर वापस आता है, पलट के वापस आता है। वापस कहाँ पे आता है? मेन पोजीशन पे। फिर यहाँ से फिर क्या होता है? वो राइट साइड जाने के बाद लेफ्ट साइड भी जाता है निगेटिव एक्सट्रीम पोजिशन, फिर यहाँ से पलट के वापस आता है। तो इस तरीके से चार बार आपको देखने को मिलेगा। अब आपके एग्जाम में जो लेवल होती है वो लेवल ये है, क्वेश्चन आपको ये बोलेगा कि यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा? कोई मुझे बता सकता है कितना समय लगा? देखो टाइम वाला क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते तो 100 में से 10 बच्चे सॉल्व कर पाते हैं, बस जो ध्यान देते हैं वो। मुझे आप टाइम बता दी कितना लगा पार्टिकल को राइट साइड जाने में या फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन पे जाने में, कितना समय लगा? आपके पास डायग्राम भी है। वेरी गुड वेरी गुड, टी बाय फोर। समझा? ये मैं आपसे पूछूंगा न्यूमेरिकल में, अभी के लिए मैंने आपको बेसिक बता दिया। तो चलिए स्टार्ट करें एलएसएचएम, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को डिटेल। तो आपके एग्जाम में बच्चों ये आया हुआ है, मैं ऐसा कहूंगा कि ये डेफिनेशन आई हुई है और इससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चन आए हैं पिछले 5 साल। अगला टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, वो आपका 19 में आया हुआ, रिपीटेडली पूछा गया है। तो ये तो आपको दिख रहा है कि सर ये 2 साल आया हुआ है, बीच में 19-18 में कहां गया? तो इसका जो सब टॉपिक है वो आया, पिछले 5 साल से ये ट्रेंडिंग है और ये टॉपिक एग्जाम में हमेशा आता है। तो चलिए देखो डिटेल में कि एलएसएचएम होता क्या है। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, हमने स्प्रिंग को क्या किया, यहाँ पे रेस्ट में रखा, ये पहली वाली डायग्राम, फिर ये दूसरी और ये तीसरी डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्प्रिंग को क्या रखा है? रेस्ट में रखा है, मेन पोजिशन पे रखा है। हमने अब क्या किया, स्प्रिंग को पकड़ा और हमने स्प्रिंग को इधर खींचा। इधर खींचा मतलब हमने क्या किया, इसको ऐसा खींचा मतलब स्ट्रेच किया, स्ट्रेच किया, इलांगेट किया, एक्सटेंड किया। ठीक है, तो ये जो एक्स आपको दिख रहा है इसका नाम एक्सटेंशन, इलांगेशन या तो इंक्रीज इन लेंथ भी होता है। तो हमने क्या किया, रेस्ट पोजीशन से स्प्रिंग को इतना इलांगेट किया। तो बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ जा रहा है? राइट साइड हो रहा है, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट राइट साइड हो रहा है। क्या मुझे ये ब्लॉक वापस अपनी जगह पे ले जाना चाहेगा?
क्या ये ब्लॉक वापस अपनी जगह पे आना चाहेगा? तो ब्लॉक जिस फोर्स से अपनी जगह पे वापस आना चाहता है उस फोर्स का नाम होता है रिस्टोरिंग फोर्स। ड्यू टू दिस फोर्स ब्लॉक ट्राई टू अटेन इट्स इनिशियल पोजिशन। ब्लॉक ट्राई टू अटेन इट्स इनिशियल पोजिशन, यानी ब्लॉक अपनी जगह पे वापस आना चाहता है उस फोर्स का नाम होगा रिस्टोरिंग फोर्स। अब रिस्टोर मतलब क्यों, क्यों रिस्टोरिंग लिया, इसका भी रीजन है। जैसे आप मोबाइल में कोई सेटिंग चेंज कर दो तो आपके मोबाइल में एक ऑप्शन होता है रिस्टोर। रिस्टोर फैक्ट्री वर्ड आपने सुना हो, यानी सारी सेटिंग बिगाड़ने के बाद, सारे चीजों को गड़बड़ करने के बाद अगर आप मोबाइल में रिस्टोर करते हो तो वापस से वो इनिशियल जगह पे आ जाता है। यानी ऐसा फोर्स जो ब्लॉक को अपनी इनिशियल पोजीशन पे, अपनी मेन पोजीशन पे लाने के लिए लगेगा उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स। और ये हमेशा कहाँ होता है, टुवर्ड्स मेन पोजीशन। ये हमेशा क्या होता है, टुवर्ड्स मेन पोजीशन। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे, टुवर्ड्स मेन पोजीशन। चलिए अब आप कह सकते हो कि हाँ सर यहाँ पे ये दोनों एंटी पैरेलल में है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। इसकी बात करते हैं थर्ड वाले की। अब आपने ब्लॉक को क्या किया, कॉम्प्रेस किया है ना, आपने ब्लॉक को क्या किया, अंदर की तरफ प्रेस किया, तो आपने इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ किया है, लेफ्ट साइड डिस्प्लेस किया है। तो आपने जब ब्लॉक को लेफ्ट साइड डिस्प्लेस किया, आपने कॉम्प्रेस किया, तो क्या ब्लॉक वापस से अपनी जगह पे आएगा? तो आप कहेंगे हाँ सर, ब्लॉक को आप कंप्रेस करेंगे तो जैसे ही ब्लॉक को आप छोड़ेंगे तो ब्लॉक अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। यानी ब्लॉक कहाँ फोर्स लगा रहा है, ब्लॉक कहाँ आना चाहता है, वो अपने मेन पोजीशन पे आना चाहता है, वो अपने मेन पोजीशन पे आना चाहता है। सो ऐसे मोशन को हम कहते हैं LSHM, यानी लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर होगी बात? तो हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पे ये दोनों आपस में अपोजिट है, तो मैं कह सकता हूँ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, बट अपोजिट डायरेक्शन तो हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस LSHM का ये फॉर्म। तो हम क्या कह सकते हैं LSHM की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, डेफिनेशन, द रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजिशन is directly proportional to displacement. One more time, restoring force is directly proportional to displacement. फिर से एक बार शॉर्टकट में बोल रहा हूं, restoring force directly proportional to displacement. याद रहेगा इसमें ये F कहां होता है, always, direction कहां होगा, always directed towards mean position. लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहां से लिया जाता है, कहां से काउंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट, फ्रॉम मेन पोजीशन। यानी अगर आपको बोलू, अगर मैं आपको ये बोलू, फोर्स तो चलो समझ गया आपको है ना, तो मेन पोजीशन और ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। मैं कहता हूं कि आपका पार्टिकल यहां से यहां तक ए एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर पे है, ठीक है सर, मैं पूछ रहा हूं ध्यान दीजिएगा, अगर पार्टिकल यहां से स्टार्ट करता है, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता है 3 सेंटीमीटर, तो मुझे बता सकते हो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट बहुत जरूरी है, न्यूमेरिकल में रहता है, और मैंने आपको बता चुका हूं डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज फ्रॉम मेन पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट आप कहां से काउंट करेंगे, आप कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट हमेशा हम मेन पोजिशन से लेते हैं, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये आएगा आपका 2 सेंटीमीटर। तो याद हो गया सबको, आ गया ध्यान में, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से लेंगे, फ्रॉम मेन पोजीशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ गई तो न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और थेरी में भी इसका नाम रहेगा। जो हमने देखा उसको आप थोड़ा डिटेल में देखते हैं, तो ये थेरीज आपके लिए अवेलेबल है, आप इस थेरी को रेफर कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, द रिस्टोरिंग फोर्स या फिर एक्सेलरेशन, सबको पता है ना फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अगर मैं कहूँ फोर्स इज माइनस ऑफ एक्स, फोर्स इज माइनस ऑफ एक्स, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो मैं कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, सिंपल सी बात है। ओके,
ठीक है, तो हमने पता कर लिया सर अभी कि जो फोर्स होता है, फोर्स यानी रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेन पोजिशन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजिशन। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन कहां रहेगा? मेन पोजिशन की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट कहां से काउंट करेंगे? मेन पोजिशन से। ओके, तो ये हमें पता चल गया। और यहाँ पे जो k होता है, इस k को आप हटा के, मतलब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के क्या लगाते हो? k लगाते हो। और इस k का नाम होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, एक और नाम होता है फोर्स कांस्टेंट। ये नाम याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में आपको ये फोर्स कांस्टेंट मिल जाएगा। क्या सबको यहाँ तक बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सबको ये समझ गया? ठीक है, और यहां पे फोर्स देखो, इस वाले में फोर्स जीरो है, इस वाले में फोर्स जीरो है क्या, इस वाले में फोर्स जीरो है क्या? नहीं। इस बात का भी ध्यान रखें, मेन पोजीशन पे फोर्स क्या होता है? जीरो। और मेन पोजीशन पे एक्सेलरेशन भी क्या होगा? जीरो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता चल गया इस सारों के नाम, सबके नाम पता चलने के बाद देखो यूनिट पता होना चाहिए। मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, मैग्नीट्यूड में रखते इसको हम लोग, माइनस नहीं रखते। तो एफ इक्वल टू क्या होता है? के एक्स। ठीक है, अब के का फॉर्मूला क्या होगा? एक्स। तो आप मुझे बताओ इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट आना चाहिए इसका, यूनिट के का यूनिट क्या होगा? स्प्रिंग कॉन्स्टेंट का यूनिट क्या होगा? बोलो, कमेंट करके बताओ। फोर्स का यूनिट पता है हमको? हाँ सर, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर। क्लियर है? क्या सबको यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके, चल। अब हमें क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करना है। लेकिन मैंने आपको बताया कि LSHM का यूज हम हर जगह करने वाले हैं, LSHM का यूज हर जगह करने वाले हैं, यानी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। मार्च 20 में आया है, 19 में नहीं आया, कोई बात नहीं, अगला टॉपिक जो बताऊंगा तो वो 19 में आया हुआ। यानी आप जो भी पढ़ रहे हो, सारे क्वेश्चन, सारे थ्योरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कैसा आता है उसकी थ्योरी देख लीजिए। सबसे पहले आपको कहेगा डिफाइन LSHM, डिफाइन LSHM। तो यहां से यहां तक डिफाइन करने में आपको 1 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, यहां से यहां तक आपको 1 मार्क मिल जाएगा, फिर यहां से यहां तक आपको मिलेगा 2 मार्क। यानी ये टॉपिक कितने मार्क का है? 2 मार्क का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपको डेरिवेशन आना चाहिए, और जिनको नहीं आता होगा वो लोग ध्यान देंगे। बच्चों, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे हाँ, या ना? ठीक है, और हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है सर? एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यानी अगर हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में रख दें तो ये आपका बन जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहला काम LSHM को डिफाइन करें, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं, चलिए स्टार्ट करें। तो ये डेरिवेशन को आप लिखेंगे अपने कॉपी में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लिखना है। पिछला वाला आपने स्क्रीनशॉट लिया है क्या? ये जो दिख रहा है आपको, हाँ, पेपर में डायग्राम मत बनाना, ये एग्जाम में आपको 1 मार्क के लिए आता है। तो 1 मार्क के लिए क्या रहेगा? डेफिनेशन एंड फॉर्मूला, डायग्राम वगैरह समझाने के लिए थी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, इसके लिए एक पेज छोड़ देना। अभी जो बताऊंगा वो डेरिवेशन हम साथ में करेंगे। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये तो थ्योरी है, थ्योरी आप घर पे आराम से लिखिएगा, एक पे छोड़ देना। कुछ चीजें आप स्क्रीनशॉट भी लिया कीजिए और कुछ चीजें साथ में लिखिएगा। न्यूमेरिकल वगैरह आपको साथ में लिखना है, डेरिवेशन भी साथ में लिखना है। चलो अब देखो डेरिवेशन। हाँ, तो इसको लिखने के लिए सबसे पहला पॉइंट तो हमें आना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सॉरी, LSHM। तो LSHM क्या होता है? वी नो दैट एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि एफ इक्वल टू क्या होता है। एफ इक्वल टू मास, मास इंटू एक्सेलरेशन।
क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ? तो हम कह सकते हैं कि एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मैं इसकी जगह पे मास इंटू एक्सेलरेशन और इसकी जगह पे एज इट इज रखते हैं, इसको चेंज नहीं कर। बट हमको एक चीज और पता है कि सर ये जो एक्सेलरेशन होता है ये पता है ना सबको, वेलोसिटी डीएक्स बाय डीटी, एक्सेलरेशन डीवी बाय डीटी। अगर हम इस वी को यहां पे लगा दें तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। इसे आप डबल डिफरेंशिएशन कहते हैं। आपका डेरिवेशन हो चुका है आई थिंक मैथ्स में, तो ये चीजें ज्यादा दिक्कत नहीं करेगी आपको। तो डीवी बाय डीटी, या फिर आप डायरेक्ट लिखे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा ये एक ही जगह पे क्या लिख सकते हो आप, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इसको हम डायरेक्ट लिखें, ठीक है, अभी नहीं, थोड़ा समय है, सबर करो। तो ए इक्वल टू क्या है सर, ये है, क्या मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। आपको एक चीज पता है ना, क्या पता है, के बाय एम ओमेगा स्क्वायर होता है। अब ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम होता है तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाय एम लिख सकते हैं। तो मैंने एक्सेलरेशन की जगह पे लिखा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये है आपके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। आप यहां से भी देख सकते हो कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्यों नेगेटिव? क्योंकि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों का साइन क्या होता है, डिफरेंट होता है। आप एक्सेलरेशन बोलो या तो फोर्स बोलो चलेगा, ठीक है। चलिए, तो हमें पता चल गया, पर ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही नहीं ना, हमें क्या चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। तो क्या होगा इसकी जगह पे, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको ऐसा लिखो या फिर इसको ऐसा लिखो, जल्दी से इसको नोट करें। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। जल्दी से इसको नोट कर लो। फटाफट नोट करो इसको और नोट हो जाने पर रिप्लाई करें। फटाफट नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट करना पड़ता है, एग्जाम में इतना ही समय लगना चाहिए, 2 से 3 मिनट के अंदर आपका लिख के हो जाना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। मैं इसको होमवर्क में डाल देता हूँ, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क रिटर्न 3 times, रिटर्न प्रैक्टिस। अरे एग्जाम में आता है ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं बोलो 5 बार की 3 बार आप बोलो, पिछले बार किसी ने 5 times बोला था, कितने बार, 3 बार, चलो ठीक है, रिटर्न 3 times। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन का, क्योंकि अभी अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो चलिए देखिए, एग्जाम में आया हुआ है, इतने बार आया हुआ एग्जाम में, 19 में आया, 18 में आया, 98 में आया, मतलब ये समझ जाओ आज का जो लेक्चर पढ़ रहे हो ना, पिछले 5 साल से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, और एग्जाम का जो ट्रेंड कहता है ये टॉपिक जेई हो, नीट हो, एमएससी सीटी हो, स्टेट बोर्ड हो, कोई भी एग्जाम हो 100% आता ही, और कैसा आता है, इस क्वेश्चन के फॉर्म में आता है। आपको एग्जाम में या तो वेलोसिटी पूछेगा, या तो एक्सेलरेशन, या तो डिस्प्लेसमेंट, एक साथ तीनों नहीं पूछेगा, एक साथ तीनों नहीं पूछ सकता है, क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूम हो जाएगा आपका, क्योंकि डेरिवेशन एक एक दो दो मार्क की है। अगर एक्सेलरेशन का ही डेरिवेशन देखे तो वो 2 मार्क का है। तब देखो कि क्या डेरिवेशन है। सबसे पहला काम इसको सॉल्व करने के लिए, इसका आंसर लिखने के लिए आपको पुराना वाला डिफरेंशियल इक्वेशन याद होना चाहिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बच्चों, तो मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना, डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर
प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है यहां तक समझ गया। अब ये जो ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म है इसको हम इक्वल टू के बाद ले जाते हैं, ये हो जाएगी आपकी माइनस हो जाएगी। और जहां तक आप मुझे लगता है कि आपको पता है कि इसका ही मतलब क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है बट फिर भी जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग अभी इसको पढ़ रहे हैं स्टार्ट कर रहे हैं, वो सब जल्दी जल्दी याद करें, इसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है यहाँ, तो ये है आपका एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, दिस इज अ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। अब यहां तक आपको एक मार्क तो मिल जाएगा, बाकी के एक मार्क लेने के लिए ना आपको मेन पोजीशन के बारे में लिखना पड़ेगा। तो केस नंबर वन एक है मेरी सबको, वॉइस आ रही है क्या? चलो ठीक। हाँ तो हम क्या कह रहे थे कि मेन पोजीशन में हमें फाइंड करना है, और यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है, तो मेन पोजीशन पे बच्चों एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो आया ना, और एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, प्लस ए, राइट साइड है तो प्लस ए और लेफ्ट साइड है तो माइनस, यहां पर ठीक है। तो मेन पोजीशन पे अगर हम इसको इक्वेशन वन दे दे और इक्वेशन वन में ये वैल्यू पुट करें तो बच्चों एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन कितना आएगा। और अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन की बात करता हूं तो एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर हम ये वैल्यू पुट करें एक्स की, तो एक्स की वैल्यू पुट करने पर एक्सेलरेशन क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि मेन पोजीशन पे सर जीरो आएगा और एक्सट्रीम पोजीशन पे हमें सिर्फ एक्स की जगह पे ए पुट करना है तो ओमेगा स्क्वायर एक्स आएगा। तो जहां पे ए की वैल्यू जीरो आई है इसे आप कहेंगे मिनिमम एक्सेलरेशन, और जहां पे ए की वैल्यू ज्यादा आई है जीरो नहीं आई इसे आप कहेंगे मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो ये आपका बनता है एमसीक्यूज, आप याद रखिएगा एक्सेलरेशन मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सेलरेशन मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। बात समझ में आ गई? हाँ, ये साइन की बात करेंगे तो अगर आप यहाँ पे प्लस ए रखते हो तो साइन क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, अगर आप माइनस ए रखते हो तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, तो अगर हम इसको मैग्नीट्यूड में रखते हैं तो अगर इसको मैग्नीट्यूड में रखें तो बच्चों क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सिर्फ प्लस में लिखोगे, माइनस वाला इग्नोर करोगे। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई डाउट होगा तो रिप्लाई करें, अगर क्लियर है तो क्लियर रिप्लाई करें और जल्दी से इसको नोट करना स्टार्ट करें, जल्दी से इसको नोट कर लो। ओके, सबने नोट कर लिया ना, ठीक है। नेक्स्ट जो डेरिवेशन है वो एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी है, एग्जाम में 2 मार्क के लिए आता है, आपने देखा है प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए आपको एक्सेलरेशन का पता होना चाहिए। सबसे पहला काम आंसर में पहला पॉइंट क्या आएगा हमारा, पहला पॉइंट आएगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन। मैं डिफरेंशियल से स्टार्ट करता हूं, इज गिवन बाय, एग्जाम में ऐसा लिखना पड़ता है इज गिवन बाय, ये सब ध्यान रखो स्टेट बोर्ड है, शॉर्टकट नहीं मार सकते आप। क्या लिखूं मैं, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, याद करो मैंने आपको बताया है कि एक्सेलरेशन का मतलब होता है डीवी बाय डी टी और इस बी का मतलब होता है डी एक्स बाय डी टी। तो मैंने क्या किया था, मैंने इसको डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर लिखा था। तो क्या मैं यहां से यहां ऐसा आ सकता हूं, अरे हाँ या ना, बोलिए क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। बात समझ में आ रही सबको, क्या मैं डीवी बाय डी टी लिख सकता हूं, बिल्कुल। एक छोटा सा एडजस्टमेंट भी कर रहा हूं मैं साथ में, ध्यान दीजिएगा, क्या मैं यहाँ पे डीएक्स और डीएक्स का एडजस्टमेंट कर सकता हूँ क्या, कर दिया मैंने, मैंने पूछा भी नहीं, कर भी दिया। और आपसे पूछता हूं कि डीएक्स बाय डी टी क्या होता है, तो आप कहेंगे सर विदाउट टाइम की बात चल रही है तो टाइम को ही गायब कर रहे हैं आप लोग,
तो यहाँ पे टाइम के बिना ये आ जाएगा v into dv by dx, क्योंकि हमें पता है dx by dt क्या होता है, velocity. ये आपका बेसिक, कोई डाउट इस बेसिक में? एडजस्टमेंट समझ गया? अरे ये a के फॉर्मूले हैं, ये एक्सेलरेशन के फॉर्मूले, इसे आप क्या कहते हो, इसे इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स कहते हैं. ये जनरल फॉर्मूले हैं, और कुछ ऐसे भी फॉर्मूले इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स जहां पे स्मॉल g कांस्टेंट होता है, जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, वो v इक्वल टू u प्लस at. तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस है, इनको याद करें, बहुत फायदा होगा आपको काइनेमेटिक्स में. अब हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे एडजस्टमेंट, क्योंकि हमें इतना पता रहता है. तो हमने लिखा इसकी जगह पे क्या लिखा, dv by dt, that is acceleration. और एक इंपॉर्टेंट स्टेप, मैं इक्वल टू को यहां पे ले जाता हूं, माइनस कर देते इसको, माइनस ओमेगा स्क्वायर x. चलो एक एडजस्टमेंट जिसको मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, इसको मैं इंपॉर्टेंट स्टेप कर देता हूं, क्योंकि बच्चे यहां पे गड़बड़ी करते हैं. तो इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, वो इंपॉर्टेंट स्टेप ये कि आपको करना है यहां पे dx by dx एडजस्ट करना है. और जैसे ही आपने इसको एडजस्ट कर दिया, तो आपका ये बनेगा क्या, बनेगा dx by dt. हमको पता है सर dx by dt यानी वेलोसिटी होता है, बाकी का एज इट इज. अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, x वाली टर्म को एक साइड लेके चले जाओ और dx वाली टर्म को एक साइड, मतलब x वाली एक टर्म आ गई और वेलोसिटी वाली एक टर्म आ गई, हमारे पास ऐसी दो टर्म्स मिल चुकी. यहां तक समझा सब? यहां तक समझ गया? यहां पे कोई डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक है, यहां तक तो आना चाहिए. हमने जो एडजस्टमेंट किया है वो एडजस्टमेंट सबको आना चाहिए. ओके, तो चलो अगर ये हमें आता है तो हम देखते हैं कि वेलोसिटी कैसे लाया जाए, क्योंकि यहां तो डीवी है, हमें डीवी को हटा के वी लाना है. क्या करते हो आप, मैथ में आपने पढ़ा है डीवी का वी लाने के लिए क्या करें, dx को x लाने के लिए क्या करें, dv को v लाने के लिए क्या करें, इसका नाम होता है इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. चलिए इंटीग्रेट कर दो जल्दी से, v into dv, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है. आपको बताया था मैंने फर्स्ट डे, SHM होने के लिए एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना, ठीक है, और अपना ओमेगा कांस्टेंट होना, इस बात का ध्यान रखें, ओमेगा कांस्टेंट मस्ट है. तो ये कांस्टेंट बाहर आ गया. अब हमें लगाना है लिमिट. अब हमें क्या लगाना है, लिमिट लगाना है. तो मैं आपको पूछता हूं, एक्सट्रीम पोजिशन पे वेलोसिटी जीरो होती है कि मैक्सिमम होती है? आप बैठे हो कि नहीं, फन एंड फूड में एक है ड्रैगन जैसा, ऐसे ऊपर नीचे जाता है. तो आप कहेंगे सर जैसे हम ऊपर जाते थे तो वो बहुत ऊपर नहीं जाता था, वहां पे जाके रुक जाता था फिर वापस आता था. यानी जब हम ऊपर जाते थे एक्सट्रीम पोजिशन पे तो वेलोसिटी जीरो हो जाती, ठीक है. जब हम एक्सट्रीम पोजिशन पे जाते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाती है बच्चों, जीरो हो जाती. और एक्सट्रीम पोजिशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ए. ये मेथड वन बता रहा हूं मैं आपको, मेथड वन. ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है. जिन बच्चे, अच्छा इंटीग्रेशन हो गया है क्या, नहीं तो ये बाउंस हो जाएगा आपका. पहले मुझे बताओ आपका इंटीग्रेशन हो गया है कि, रिप्लाई करो. ये लिमिट लगाना सिखा रहा हूं मैं आपको. अच्छा हो गया है तो चलो ठीक है. देखो ध्यान दो, ये आपका वो जिसमें आप बैठते हो उसको क्या कहते हैं, कोलंबस कहते हैं, हम तो कोलंबस कहते हैं. आप यहाँ पे बैठे हो, और जैसे आप यहाँ पे बैठे हो तो पता है क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे बैठेंगे ना तो यहाँ पे ना वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाती है, और यहाँ से यहाँ तक जो होता है उसे आप क्या कहते हो, एम्पलीट्यूड. तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो इनिशियल की बात कर लेते हैं बच्चों. वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, जीरो है, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वी है, मैक्सिमम होती है जो भी रहे. तो एम्पलीट्यूड कितना है यहाँ पे, जीरो है. तो जब आपकी वेलोसिटी जीरो थी तो एम्पलीट्यूड ए था, और जब आपकी वेलोसिटी वी थी तो एम्पलीट्यूड क्या था, जीरो. क्या यहां तक समझा, लिमिट लिमिट समझ गई,
किसी को लिमिट में तो डाउट नहीं। मेथड वन बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये मेथड वन आपके सिलेबस में बोल सकते टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, बट ये वैलिड है, जिन बच्चों का इंटीग्रेशन हो गया उनके लिए चलेगा। तो जब वेलोसिटी हमारी जीरो है तब एम्पलीट्यूड क्या है, ए। जिन बच्चों को नहीं समझता उनके लिए मैं एक्सट्रीम पोजिशन लिख रहा हूँ, शायद आप समझ जाए लिमिट लगाना। अब समझ गया लिमिट? हाँ, तो वेलोसिटी एक बार जीरो थी, वापस आए हो मेन पोजीशन पे, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, बी, जो भी हो बी लिख दो। और जब हम मेन पोजीशन पे आए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा, जीरो। यहां तक समझा? अब क्या करेंगे हम, अब हम इसको इंटीग्रेट कर दो। हमें पता है सर वी है, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन, वी स्क्वायर अपॉन टू। आपने बोला कि इंटीग्रेशन हो गया, इससे मैंने डायरेक्ट लिखा यहां लिमिट लगेगी जीरो से लेकर वी तक, और यहाँ पे क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और आपका इंटीग्रेशन हो गया, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर बाय टू ए, और यहाँ पे जीरो। ये जो टू है ये बाहर आ जाएगा वन बाय टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ पे भी क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय टू, ये भी क्या हो जाएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और यहाँ पे हम लिमिट की अगर बात करते हैं, मैं लिमिट की बात करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं लिमिट की बात करूं तो यहाँ पे लिमिट v है और जीरो है, और यहाँ पे लिमिट जीरो और a है। तो बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट समझा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट समझा क्या सबको? तो ये क्या आ जाएगा आपका वी स्क्वायर बाय टू। अरे टू तो सर कैंसिल हो रहा था, कट दो, काट दो इसको, कैंसिल हो रहा है। तो बचा वी स्क्वायर, ये हो गया सर ओमेगा स्क्वायर। अरे समझ गया सबको, समझा यहां तक? कोई गड़बड़ वाली बात तो नहीं है, क्लियर है सबको यहां तक? तो ये हो गया वी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये तो जीरो हो गया, और ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस, क्या हो जाएगा प्लस, अभी के लिए हम लिख देते हैं, ठीक है, डन, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको हम माइनस ऑफ माइनस क्या कर देते हैं प्लस, माइनस ऑफ माइनस प्लस, ये हो गया ओमेगा इंटू ए, ये हो गया हमारा वी, हमने ले लिया टेकिंग स्क्वायर रूट। और ये जो वेलोसिटी आई है ये वेलोसिटी कहाँ के लिए है, ये वेलोसिटी सर कहाँ के लिए बच्चों, मेन पोजिशन। तो मेन पोजीशन में जो वेलोसिटी आती है वो क्या होती है, मैक्सिमम। तो ये है मैक्सिमम वेलोसिटी का डेरिवेशन, ये सिंपल है, समझा सबको? हाँ, अब ये मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको क्योंकि मेथड तुमको पता होनी चाहिए। अब ऐसी मेथड जो आपके टेक्स्ट बुक में है उसको भी देखो, ये नोट मत करो, मैंने आपको नोट करने को नहीं बोला, ये आपको जो टेक्स्ट बुक में दिया है ना वो नोट करना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। टेक्स्ट बुक में कोई लिमिट वगैरह नहीं है, जो भी मैंने बताया ये सब उन बच्चों को आएगा जिन बच्चों का इंटीग्रेशन हो चुका है, अब बिना लिमिट के काम करते, और आपको पता है अगर बिना लिमिट के काम करे तो आपको उसको बोलना पड़ता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, क्या बोलते हैं उसे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो कॉन्स्टेंट में क्या लगाना पड़ता है, प्लस। तो चलिए इसको सॉल्व करें, क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाय टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी। ये समझा क्या, प्लस सी क्यों लगाया, सबको पता है प्लस सी का नाम, प्लस सी का नाम इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सी इक्वल टू इंटीग्रेशन, जगह नहीं है यहां पे, तुम इसका नाम एक बार फिर से लिखते, हाँ फिर से एक बार, सी का नाम इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर आपका इंटीग्रेशन हो गया है तो ये सब आपको पता होगा, फिर भी मैं लिख रहा हूँ, स्टेट बोर्ड में लिखना पड़ता है। तो हमने इतना लिख लिया सर, बट जो ये सी की वैल्यू है, बट सी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करती है, पता है ना सबको, वैल्यू ऑफ सी डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंडीशन, वैल्यू ऑफ सी डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंडीशन। तो मैं आपको पूछता हूं कि मुझे आप बताओ एक्सट्रीम पोजिशन पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, और एक्सट्रीम पोजीशन पे एम्पलीट्यूड होता है एक्स। तो इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, चलिए एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी सर जीरो हो गई, स्टेट बोर्ड में जो है वो बता रहा हूं अभी मैं,
और हमने क्या कर दिया यहाँ पे, एक ही जगह मतलब एक्स की जगह पे हमने ए डाल दिया, ये आपका हो गया सर ऐसे, और बाकी का क्या बचा बच्चों, सी, सी की वैल्यू निकल के आ गई, ये इक्वल टू के बाद चला गया, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय टू, यही सी की वैल्यू आपको अभी पुट कर देनी है, जो भी हमने सी की वैल्यू निकाली है, इस वैल्यू को इक्वेशन वन में आप डाल दीजिए जल्दी से। इक्वेशन वन में अगर हमने डाल दी सी की वैल्यू तो क्या होगी, सबसे पहले सी को रखते हैं, क्या हो जाएगा ये, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय टू, ठीक है, डिवाइड बाय टू रहना चाहिए, डिवाइड बाय टू, बाकी का आपका एज इट इज रखो, वी स्क्वायर बाय टू इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू, इसका आप एलसीएम सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, टू आ जाएगा, जो पॉजिटिव है उसको पहले लिख लो और जो निगेटिव है उसको बाद में लिख लो, लिख लिया यहां तक, ये क्या हो गया सर, वी स्क्वायर बाय टू हो गया, यहाँ पे डिनोमिनेटर टर्म कैंसिल हो जाएगी, टू से टू, फाइनलाइज कर दो इस फॉर्मूले को, क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू, क्या कांस्टेंट निकल रहा है, क्या कांस्टेंट निकल रहा है, अरे गड़बड़ हो गई एक सेकंड, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सॉरी तो गड़बड़ हो गई, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर निगेटिव वाला बाद में लिखे, पॉजिटिव वाला पहले, यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है, ओमेगा स्क्वायर, क्या बच गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी अब निकल जाए, टेकिंग स्क्वायर रूट, और जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको पता है हम उसको प्लस और माइनस दोनों में लिखते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आएगा बच्चों, ओमेगा अंडर रूट, अच्छे से लिखना इसको, क्या आएगा, ओमेगा अंडर रूट प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जल्दी से इतना नोट कर लें, फिर उसके बाद मैं आपको मेन और एक्सट्रीम दोनों बताता हूं, इतना नोट करें फटाफट जल्दी से, फिर मेन और एक्सट्रीम हमें दोनों पढ़ना है, ठीक है, नोट करो, मैं यहां पे लिख देता हूं, केस नंबर वन, ये यहां पे जगह है, यहां पे बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, केस नंबर वन और उसके बाद केस नंबर टू, इसको आप डिफरेंस में लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हाँ, ये केसेस आपको ही सॉल्व करनी है, मैं नहीं करने वाला हूं, आप करेंगे सॉल्व और बताएंगे क्या आता है, करो और बताओ क्या आता है, और जल्दी से इसको नोट करना स्टार्ट कर दो, जल्दी से नोट करना स्टार्ट करें, ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करेक्ट है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर, सही जवाब, तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने अभी बताई है मुझे, केस वन के बारे में जो बताया ना आपने, वेलोसिटी, वो वेलोसिटी हमने मेथड वन से पहले ही प्रूव कर लिए, तो v इक्वल टू आपका क्या आया है, ओमेगा इनटू a आया है, और ये जो भी आया है इसे आप मैक्सिमम वेलोसिटी कहते हैं, यानी वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, और यहां पे जो भी आया है वो कितना आया है, जीरो आया, तो वेलोसिटी इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक बार वापस से ये सारी चीजें क्या हो गई है, प्रूफ हो गई, समझा सबको, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, और आपका होमवर्क बोलो मत, होमवर्क क्या है, का डेरिवेशन है, ये तो आप बोलेंगे सर ने बताया ही नहीं, ये आपका होमवर्क है, और पहले लिख चुका हूं शायद, मैं नहीं लिखा शायद, है ना, तो ये आपका होमवर्क है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी होमवर्क थ्री टाइम्स रिटर्न प्रैक्टिस, डेरिवेशन है और बोर्ड एग्जाम में आता है, तो होमवर्क जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करके रख लो, जब आपकी टेस्ट होगी तो आपको फायदा होगा उसमें,
ठीक है, समझ गया सबको होमवर्क। चलिए आज बस इतना ही, कल करते बाकी।